नमस्कार, मैं कुमारी नूतन नवसुजी प्राथमिक विद्यालय कठहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों एवं दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण अध्याय 12 लेकर आई थी, किस और क्या। आज मैं अध्याय 13 लेकर आई हूँ, स्कूल के आसपास या रास्ते में। जब हम बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके रास्ते में क्या क्या चीज पड़ता है, स्कूल के आसपास अगल बगल क्या क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ना है। एक बच्ची की कहानी है। वो रास्ते जब घर से रास्ते में आती है, स्कूल के रास्ते जब स्कूल आती है घर से, तो उसको स्कूल में क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में कहानी दी गई। आप बच्चों किताब निकालिए, मैं आपको बताती हूँ अध्याय 13 स्कूल के आसपास में क्या कहानी है। स्कूल के आसपास, यह सीमा के घर से स्कूल तक के रास्ते का चित्र है। ये जो चित्र दिया गया है किताब में, ये सीमा के घर से स्कूल तक के रास्ते का चित्र है। क्या क्या चीज है इसमें ये दिखता है। सीमा घर से स्कूल जा रही है। सीमा घर से स्कूल जा रही है। आप उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को पेंसिल से दिखाइए। आप उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को पेंसिल से दिखाना है। ये स्कूल है और ये सीमा का घर है। कैसे जाएगी, यहाँ सीमा का घर है, यहाँ स्कूल है, पेंसिल से दिखाना है किस रास्ते होकर वो जाएगी और क्या क्या पड़ेगा। ये मैं क्वेश्चन है कुछ, इसमें मैं बताती हूँ। घर से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या आए, वो चित्र देखकर आपको बताना है कि घर से स्कूल तक के रास्ते में सीमा का क्या क्या आया। चित्र में कौन सी चीजें किस और मिलेंगी लिखिए। जो भी चीज है, डाकघर है, थाना है, स्कूल है या खेत है या खलिहान है, किसी का घर है, कुछ भी है, तो वो चित्र में किस और क्या क्या है, दाई और क्या है और बाई और क्या है, वो लिखना है। चित्र को देखकर सही पर का निशान लगाइए, गलत को सही करके लिखिए। चित्र को देखकर, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, चित्र को देखकर सही और गलत का निशान लगाना है। चित्र में चार पेड़ हैं, वो देखना होगा चित्र में चार पेड़ हैं कि नहीं है। कुआं खेत के अंदर है, कुआं जो है रास्ते में जो दिखा रहा है, क्या खेत के अंदर है। चित्र में तीन घर हैं, सही है या गलत देखना होगा चित्र। घर से स्कूल के रास्ते में दो पेड़ हैं। अब घर से स्कूल के रास्ते में दो पेड़ हैं या चार पेड़ हैं, हाँ, कुआं खेत के अंदर है या बाहर है। चित्र में तीन घर हैं। अब हम देखते हैं चित्र में क्या दिया गया है। चित्र में चार पेड़ हैं, देखते हैं चार पेड़ हैं, नहीं गलत है ये। कुआं खेत के अंदर है, देखते हैं, नहीं गलत है ये, कुआं बाहर में है। चित्र में तीन घर हैं। अब तीन घर देखना होगा है कि नहीं है। एक तो सीमा का घर है, एक रहीम का घर है और एक डाक घर है। तीन घर है, हाँ चल सकता है, तीन घर है, चलिए ठीक सही है। घर से स्कूल के रास्ते में दो पेड़ हैं। अब देखते हैं क्या दो पेड़ हैं रास्ते में, हाँ दो पेड़ हैं, सही है, नहीं दो सही है, दो गलत है। आप चित्र देखकर इस प्रश्न का आंसर आप आराम से बना सकते हैं। पांचवा है, चित्र के आधार पर खाली जगहों में सही शब्द भरिए। चित्र के आधार पर ये खाली जगह दिया गया है यहाँ लाइन में, और यहाँ खाली जगह भरना है चित्र के आधार पर। चित्र के आधार पर खाली जगहों में सही शब्द भरिए। दाई बाई तीसरे चापाकल, सीमा घर से स्कूल जा रही है, दूसरे मोड़ पर क्या आता है। उसके बाद मोड़ पर डाकघर आता है, अस्पताल डाकघर से कितनी किस ओर है। पूरे रास्ते में बाई और दो पेड़ आते हैं, पर एक पेड़, एक ही पेड़ आता है। पूरे रास्ते में बाई और दो पेड़ आते हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या एक ही पेड़ आता है, ये चित्र के अनुसार देखना है और आपको मिलान करना है। छठा है, सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में यहाँ कहाँ बनेंगे।
सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में यह कहाँ बनेंगे? बीजू का डॉक्टर, बस, बच्चे, कहाँ कहाँ आएंगे? सीमा के घर से स्कूल वाले चित्र में यह कहाँ बनेंगे? बीजू का डॉक्टर कहाँ कहाँ बने हुए हैं? ये देखना है चित्र में आपको, बस कहाँ है, बीजू का कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं? डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं, हाँ, बच्चे स्कूल में रहते हैं। बीजू का कहाँ है? बीजू का तो नहीं है इसमें। उसके बाद डॉक्टर, तो फिर बस कहाँ है? बस अड्डा पे होगा। बस कहाँ है? बस स्टॉप पे बस होगा। बहुत अच्छा, अस्पताल में डॉक्टर होगा, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। यह चित्र देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से बना लोगे। अब कौन दिशा किधर? अब ये दिशा बच्चे खुद ही अपना समझ सकते हैं कि कौन दिशा किधर है। अब इसमें कविता के द्वारा दिशा के बारे में जानकारी दी गई है, मैं पढ़ती हूँ। मैं ये दिशा के बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगी, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।